नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीएसडी कोर पॉलिसी बदलना मोदी सरकार की साजिश है या संयोग, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की आने वाली जानकारी एवं वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के निशान को जरूर दबा लें। दोस्तों, आपका ध्यान मैं 2018 के एकदम लास्ट वाले महीनों में आकर्षित करना चाहूँगा कि उस समय मोदी सरकार धीरे धीरे अपना कार्यकाल समाप्त कर रही थी और इलेक्शन का टाइम आने वाला था। उस समय जो मौजूदा पॉलिसी थी सीएसडी कैंटीन के अंदर कार को खरीदने की, तो उसमें से जो 1400 सीसी पीबीओआर के लिए था और 2500 सीसी का ऑफिसर के लिए था, इसको तुरंत ही बढ़ा दिया गया। वो बढ़ा करके कर दिया गया, जवान जो है वो 1800 सीसी तक की कार को खरीद सकते हैं और जो ऑफिसर था उनको 3000 सीसी तक की कार को खरीदना अथराइज कर दिया गया। इसका जो लेटर है वो सर्कुलेट कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही फरवरी आया, उस समय कार की डिलीवरी या जो भी एफडी आइटम थे उनकी डिलीवरी बंद कर दी गई और ये कहा गया कि अभी जो फंड है वो इनसफिशेंट है, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 1 अप्रैल से ये फिर शुरू हो जाएगी। परंतु दोस्तों, ऐसा हो नहीं सका और बहुत सारे सीएसडी डिपो में ये चालू ही नहीं हुआ और ये जून तक ऐसे ही खिंचता रहा। लेकिन इसके बीच में भी कई ये खेल हो चुके। तो खेल क्या हुआ था दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। जैसे ही 23 मई को वोटिंग खत्म हो गई, वैसे ही 24 मई को तुरंत ही आपकी जो सीएसडी कैंटीन से कार खरीदने का इंटाइटलमेंट था फिर चेंज हो गया और उसके बाद जो ये नई पॉलिसी चल रही वही चालू है, जो कि 1 जून 2019 से लागू की गई थी। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको 24 मई 2019 को ही निकाल दिया गया था। अब दोस्तों, आप विचार करें जो बातें मैंने कही है। सबसे पहली बात तो ये, पॉलिसी को तुरंत ही क्यों चेंज किया गया, पहले पॉलिसी को क्यों नहीं चेंज किया गया। जो पॉलिसी चेंज की गई थी यानी जो लिमिट बढ़ाई गई थी उसको बरकरार क्यों नहीं रखा गया। जो पॉलिसी बढ़ा करके आपको सीसी की क्षमता दी गई थी उसको तुरंत ही लोगों के लिए लागू क्यों नहीं किया गया, यानी कि उसको खरीदने के लिए क्यों नहीं अलाउ किया गया, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ही तुरंत ही फरवरी से ही कार की बिक्री ही बंद कर दी थी। रिस्ट्रिक्टेड मतलब बंद कर दी थी, किसी को कोई कार नहीं मिल रही थी। जो लोग बुक कर रखे थे उनको आगे आगे डेटें दी जाती रही। जैसे ही दोस्तों चुनाव का अंतिम दिन होता है और उसकी वोटिंग हो जाती है, यानी कि 23 मई, अगला दिन होता है 24 मई। 24 मई को ही दोस्तों नई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो भी जवान है वो 5 लाख तक की कार खरीद सकते हैं और जो ऑफिसर है वो 12 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। अगर सीसी की बात करें तो जो जवान हैं उनके लिए 1400 सीसी फिर कर दी गई और जो ऑफिसर हैं उनके लिए वही 2500 सीसी फिर कर दी गई। तो बीच में ये जो ड्रामा किया गया बढ़ाने का, इनकी सीसी बढ़ा दी गई, ये क्यों किया गया था? चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये सब कार्रवाई की गई। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पहले इसकी सीमा बढ़ाई गई और उसके तुरंत ही बाद दोस्तों सीएसडी से कार अथवा जो भी एफडी आइटम थे उनकी बिक्री बंद कर दी गई। उसके बाद जैसे ही गाड़ियां मिलने की शुरुआत होने ही वाली थी उस समय पॉलिसी तुरंत ही चेंज कर दी गई। जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई, जब तक कि वो पॉलिसी अच्छी तरह से 1 जून से लागू नहीं कर दी गई, उसके पहले गाड़ियाँ बिल्कुल किसी को भी नहीं मिल रही थी। जहाँ तक मेरे बनाए गए वीडियोज पर आने वाले कमेंटों की बात है, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों ने 31 मई 2019 तक अपनी गाड़ियाँ बुक की थी उन्हें भी दोस्तों नए नियम के अनुसार ही गाड़ियाँ डिलीवर की गई थी और वो दोस्तों मजबूरी में या तो अपना पैसा विड्रॉल कर रहे थे या फिर मजबूरी में नए नियम के अनुसार ही गाड़ी ले पा रहे थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के निशान को जरूर दबा लें। मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।